हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं सुपर टेस्टी मैगी पिज़्ज़ा, जो कि खाने में जितना टेस्टी है इतना ही बनाने में इजी है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही झटपट बन जाएगा और बहुत ही यमी और टेस्टी पिज़्ज़ा बनता है। इसके लिए मैंने सबसे पहले ये मैगी का एक बड़ा वाला पैकेट लिया है, जिसको मैं अब बॉयल करने के लिए रख रही हूँ। इसमें मैं ऑलमोस्ट इसके ऊपर तक, मैगी के ऊपर तक पानी भर दूंगी और इसको मैं 10 मिनट्स के लिए बॉयल कर देती हूँ। मैगी फटाफट बॉयल हो जाती है। अब ये मैगी बॉयल हो चुकी है और मैंने इसका पूरा पानी निकाल दिया है। अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल देती हूँ और मैं पिज़्ज़ा बेस रेडी कर देती हूँ। तो मैं उसको इस तरह से पूरा इसमें फिक्स कर दूंगी ताकि ये अच्छा सा एक बेस बन जाए। अब मैं इसके ऊपर आधा स्पून के जितना कॉर्नफ्लोर डस्ट कर देती हूँ, क्योंकि मैगी में हल्का सा पानी होगा, इस वजह से ये सारा कॉर्नफ्लोर भी इसमें ऑब्जर्व हो जाएगा। तो देखिए ये फिक्स हो गया है। अब मैंने एक पैन में एक स्पून के जितना घी लिया है। जी हाँ, मैं घी ले रही हूँ, आप चाहें तो आप ऑयल भी ले सकती हैं। अब जो ये मैंने मैगी बेस बनाया है, ये मैं उल्टा करके इसको इसके अंदर पूरा फ्राई कर दूंगी। तो देखें, अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है इसको, और अब मैं इसको लो फ्लेम पे ही इसको पकाऊंगी। मैंने एक स्पून जितना घी और ऐड कर लिया है, और अब मैं इसको हल्का सा फ्राई होने दूंगी। और अब मैं इसके ऊपर आधा स्पून और कॉर्नफ्लोर ऐड कर देती हूँ और इसको अच्छे से पकने दूंगी। ये कॉर्नफ्लोर इसमें कच्चा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जैसे जैसे ये थोड़ा सा मैं घी डालती जाऊंगी और इसको फ्राई करती जाऊंगी हल्का हल्का सा, ऐसे ये कॉर्नफ्लोर भी इसमें पूरा पक जाएगा। तो अब देखें, ये इसको मुझे बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना, हल्का सा मुझे क्रिस्पी, हल्का सा थोड़ा सा करना है क्रिस्पी। अब मैं इसको प्रेस कर दूंगी ताकि ये बेस पूरा अच्छे से जम जाए। तो देखें ये अब कितना अच्छा दिख रहा है, और हमारा ये पिज़्ज़ा बेस अब रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको थोड़ा सा थोड़ी देर और रखेंगे, और मैंने अब इसको पलट दिया है ताकि ये दूसरी साइड से भी थोड़ा सा और पक जाए। तो देखें ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी नहीं किया है, पर ये हल्का सा, इसने हल्का सा भी ये पक गया है। और मैंने ये आधा स्पून के जितना और घी ऐड कर लिया है ताकि नीचे जो साइड है वो भी इसकी थोड़ी सी हल्की सी क्रिस्पी हो जाए, ये थोड़ा सा भी गीला गीला नहीं रहे। तो देखें ये हमारा मैगी बेस रेडी हो चुका है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल देती हूँ। तो देखें हमारा ये पिज़्ज़ा बेस कितना अच्छा लग रहा है। अब मैंने ये एक शिमला मिर्ची ले ली है, और ये एक छोटा टमाटर ले लिया है, और ये चीज़ ले ली है। चीज़ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ज़्यादा चीज़ डालना चाहे तो। और ये मैंने रेड शिमला मिर्च ले ली है। जो मैंने ये सारी वेजिटेबल्स यूज़ किए हैं, आप अपने हिसाब से जो भी इसमें ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। तो देखें अब हम इन सारी चीज़ों को इस बेस के ऊपर फिर लगा देते हैं। तो देखें हमारे ये बेस कितना अच्छा लग रहा है। अब सबसे पहले मैं इसके ऊपर ये टमाटर सॉस डाल दूँगी, इसकी एक लेयर लगा दूँगी, और अच्छे से ये ऑलमोस्ट 2-3 स्पून जितनी मैं इसके ऊपर टमाटर सॉस ऐड करके अच्छे से लेयर लगा दूंगी, पूरा इसको कवर कर दूंगी। तो मैं ये देखें 2 चम्मच डाल चुकी हूँ, और अभी 1 और चम्मच ऐड करके अच्छे से पूरा फिक्स कर दूंगी इसको। तो इसके बाद में मैंने पिज़्ज़ा सॉस लिए और मैं उसके ऊपर फिर पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर दूंगी। तो देखें अब मैं इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर देती हूँ, और इसको भी अच्छे से, इसकी भी एक अच्छे से लेयर लगा दूँगी। तो ये देखें अब अच्छे से इसकी लेयर लग गई है, हमने इसको पूरा अच्छे से फैला दिया है सारी पिज़्ज़ा सॉस को। अब जो हमने सारी जो भी वेजिटेबल्स ली हैं उनको रख देंगे। सबसे पहले मैं यहाँ शिमला मिर्ची रख देती हूँ। आप जिस तरीके से आपको रखने उस तरीके से आप रख सकते हैं, और ये मैं रेड शिमला मिर्ची बीच में ऐड कर देती हूँ, और फिर मैंने जो टमाटर लिए हैं मैं उन टमाटर को ऐड कर देती हूँ। तो देखें ये दिखने में कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, तो ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसके ऊपर जो चीज़ है उसको स्प्रेड कर देंगे। चीज़ आप इसके ऊपर जितनी ज़्यादा डालेंगे इतनी बहुत ही टेस्टी लगेगा ये। तो मैंने ये चीज़ इसके ऊपर डाल दी है सारी। अब मैं इसको
5 मिनट के लिए इसको ढक्कन लगा के रख दूँगी ताकि ये चीज़ पूरी मेल्ट हो जाए। तो देखें हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है और ये कितना अच्छा दिख रहा है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर मेरी ये रेसिपियाँ आपको पसंद आ रही हो और मेरी नेक्स्ट रेसिपी जो कि मैं देखना चाहते हैं तो उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जब भी मैं कोई नई रेसिपी डालूँगी तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन ज़रूर आए। तो मेरी ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।